बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो लोग पैसे, ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं, आखिर में उनके साथ क्या अंजाम होता है, इस बारे में आज की यह वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, एक बार बनी इसराइल में एक आदमी मर गया और अपने पीछे एक मकान और दो बेटे छोड़ गया। उसके दोनों बेटे मकान को तकसीम करने लगे तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और लड़ने मरने की नौबत आ गई। इतने में उस मकान की एक ईंट में से उन्होंने यह आवाज़ सुनी कि ऐ लड़कों, मेरी खातिर मत लड़ो, मेरी तरफ देखो, मैं किसी वक्त बहुत बड़ी बादशाह थी। 370 साल मैंने उम्र पाई, फिर मरने के बाद मैं 100 साल तक कब्र में रही, हत्ता कि मेरी कब्र एक मैदान बन गई और मेरी कब्र की जगह से मिट्टी खोदी गई, उस मिट्टी में मैं भी थी। फिर मेरी एक ईंट बनाई गई और 40 साल तक मैं ईंट की शक्ल में रही, फिर मुझे तोड़ा गया और मैं एक रोड़े की शक्ल में 103 साल तक राहों में और सड़कों में पड़ी रही, हत्ता कि फिर मेरी मिट्टी बन गई और दोबारा मुझे फिर ईंट बना दिया गया और मकान में लगा दिया गया और उस मकान में से 300 साल से चली आ रही हूँ। बच्चों, क्यों झगड़ते हो, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। हवाला रौनकुल मजालिस। दोस्तों, यह दुनिया बड़ी नापायदार है, इसके खातिर लड़ना झगड़ना अकलमंदी नहीं है। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।